अगर आप अपने इंडक्शन को अपने सोलर सिस्टम से चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ बताने वाला हूं कि एक अगर इंडक्शन को चलाना है तो कितने किलोवाट का एक सोलर पैक लगाना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगर बात करें एक इंडक्शन की तो मार्केट में आपको बहुत सारे इंडक्शन देखने को मिल जाते हैं, ये भी ये भी ये भी। तो मतलब अगर आपको इंडक्शन लेना है तो कम से कम आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम 1500 वाट तक का इंडक्शन जरूर प्रेफर करिएगा। अगर उससे कम का लेते हैं तो आपके लिए वो इंडक्शन ज्यादा काम आने वाला नहीं है। अगर सोलर सिस्टम पे चलाना है तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 2000 वाट का एक इंडक्शन है जिसको आप अपने सिस्टम पर चलाना चाहते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि आपका जो इन्वर्टर है वो कितना लोड उठाने के लिए कैपेबल है। कम से कम अगर आपको एक इंडक्शन चलाना है तो आपके पास 24 वोल्ट का इन्वर्टर होना चाहिए और कम से कम वो 2000 भी मतलब 1600 या 1500 वाट जरूर उठा ले। अगर आपके पास ऐसा इन्वर्टर है तो डेफिनेटली आप अपने इंडक्शन को उस पर चला लेंगे। पर अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास छोटा सिस्टम है और आप इंडक्शन चलाना चाहते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है कि आपको कभी भी अपने इंडक्शन को हाई पावर मोड पर नहीं चलाना, क्योंकि 2000 वाट का जब इंडक्शन इतना लोड आपके इन्वर्टर पर डालेगा तो आपका इन्वर्टर जलने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाएंगी और वो कट मार जाएगा। तो आप जब भी चलाएं उसको 1000-1200 के वाट से ऊपर ना ले जाएं, जिससे आप डेफिनेटली आप अपने इंडक्शन को अपने सोलर सिस्टम पर रन करवा लेंगे। इस सोलर सिस्टम में आपको कम से कम 1000 वाट की प्लेट तो जरूर इंस्टॉल करनी है, 150-150 की बैटरी होनी चाहिए और इसके साथ आपके पास 1500 से 2000 VA का एक इन्वर्टर होना चाहिए, तो आप अपने इंडक्शन को आसानी से चलाएंगे। और आपके आखिरी क्वेश्चन का जवाब ये है कि अगर आप सिर्फ अपनी बैटरी के ऊपर अपना इंडक्शन रन कराना चाहते हैं तो 2 बैटरी के ऊपर ये आपका इंडक्शन आराम से 1.5 से 2 घंटे चल जाएगा, पर उसके बाद आपको बैकअप मिलने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इंडक्शन के ऊपर, अगर आप उसको सोलर सिस्टम पर रन कराना है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।